रुक रुक के न देख रुक रुक के, रुक रुक के न देख रुक रुक के, देख बिना ब्रेक, डाउनलोड तक ऐप। 3 किलो दूध, 2 किलो चावल और 3 बाल्टी पानी, ये रेसिपी है उस खीर की जो सहारनपुर के सरकारी स्कूल में बच्चों को परोसी गई। चावल है। हाँ जी, इसमें कितने बच्चों की खीर बनेगी इस दूध में? बच्चों के लिए मिड डे मील पकाने वाली महिलाएं खुद इस नायाब रेसिपी की गवाही दे रही हैं और तस्वीरें तो साक्षात सबूत हैं ही। ये कितना निकला जी दूध? 3 किलो। इसमें 300 बच्चों का ये खीर बननी है। ठीक है, ठीक। कितना? 3 किलो दूध है। 300 बच्चे हैं और 3 किलो दूध है। 3 किलो दूध है। ठीक है जी, इसमें पानी कितना डलेगा? तीन बाल्टी। ठीक है जी, ठीक है। ये चावल है जी 300 बच्चों के लिए। बच्चों को स्कूल तक लाने और 12 कक्षाओं तक रोके रखने के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके तमाम योजनाएं चलाती है। मिड डे मील, मुफ्त यूनिफॉर्म, बैग और जूते, इसी मकसद से बच्चों को बांटे जाते हैं। लेकिन जमीन स्तर पर इन योजनाओं में कैसे पानी मिलाया जाता है, ये तस्वीरें खुली किताब की तरह सब कुछ बयां कर रही है। इसमें कितने बच्चों की खीर बनेगी इस दूध में? क्या चीज? पानी मिलाया, आलू की सब्जी में पानी ज्यादा मिलता है। ये वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग तक पहुंचा तो सफाई दी गई कि खीर तो स्कूल के मेन्यू में ही नहीं है। ये मामला मीडिया के द्वारा संज्ञान में आया है और खीर मेन्यू में नहीं है, लेकिन प्रधानाध्यापक को हम लोग स्पष्टीकरण दे रहे हैं, जांच करा के आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। और इनका कुछ पॉलिटिकल आपस में विवाद लग रहा है मैनेजमेंट और प्रिंसिपल का, तो पूरे तथ्यों की जांच करा के आगे हम लोग निर्णय ले सकेंगे। मिड डे मील के नाम पर बच्चों से धोखाधड़ी और सरकारी पैसे डकारने का ये न तो पहला मामला है, न ही उम्मीद है कि आखिरी होगा। चंद रोज पहले सोनभद्र में भी 1 लीटर दूध में पानी घुलकर 81 बच्चों को पिला दिया गया था। लेकिन मुश्किल ये है कि आईना सच दिखाए तो सरकारें सूरत सुधारने की बजाय आईना तोड़ डालने पर ही आमादा हो जाती हैं। कितने बच्चे होंगे? 300। करीब 300 बच्चे। बीते दिनों मिड डे मील का सच दिखाने वाले एक स्थानीय पत्रकार की गिरफ्तारी से तो यही संदेश गया था। देखना है इस बार योगी क्या करते हैं।